कांग्रेस नेता एवं ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष भास्कर चुग ने विकास नगर में एक बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जो कि श्रम विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, पारिश्रमिक योजना का लाभ श्रमिकों को न देने, उन्हें आपत्तियां लगाकर बार बार परेशान करने और इसके साथ ही श्रमिकों का शोषण करने का आरोप उन पर लगा है। भास्कर चुग ने कहा कि श्रम विभाग मुख्यमंत्री के अधीन होने के बावजूद उत्तराखंड का श्रमिक बहुत बुरी तरह से शोषण का शिकार है। संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते श्रमिकों के इस शोषण का माध्यम बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि श्रमिक की पुत्री की आर्थिक सहायता जो कि विवाह के उपरांत दी जाती है, नियमानुसार 51,000 धनराशि तय है। इसी प्रकार से यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 2,00,000 रुपए की धनराशि तय की गई है और यदि कार्य के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 4,00,000 रुपए की धनराशि तय की गई है। उन्होंने कहा कि विवाह की आर्थिक सहायता तथा मृत्यु की आर्थिक सहायता के आवेदन एक एक वर्ष तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। लेबर इंस्पेक्टर से DLC और LC तक घूमते रहते हैं। उनके शपथ पत्र में टाइपिंग द्वारा मिस्टेक होती है और इस प्रकार की आपत्तियां लगा दी जाती हैं कि या तो वह आवेदन पेंडिंग पड़े रहते हैं या फिर कुछ समय बाद बेवजह ही वे आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। श्रमिक हैं, उनके शोषण का माध्यम इस विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से बने हुए हैं और इसी कारण से श्रमिकों को जो सुविधाएं बनाने देने के उद्देश्य से यह पूरा का पूरा अखाड़ा जोड़ा गया था, जिस समय केंद्रीय मंत्री हरीश रावत हुआ करते थे और उत्तराखंड के जो श्रम विभाग के मंत्री थे वो हरीश चंद्र गोपाल हुआ करते थे। ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया था कि किसी तरह से जो बिल्कुल गरीब बेसिक जड़ों से जुड़ा हुआ सड़क पर काम करने वाला जो श्रमिक है उसको कुछ फायदा मिल सके, कुछ उसकी मुश्किलें दूर हो सकें, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने की वजह से, क्योंकि आज ये विभाग मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने के कारण आज ये विभाग श्रमिकों के शोषण का बहुत बड़ा माध्यम